आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना आधार कार्ड नंबर कैसे पता कर सकते हो। ठीक, बहुत लोगों का आधार कार्ड गुम हो जाता है, खो जाता है, उनके पास ना तो फोटोकॉपी होती है और ना ही मोबाइल में अगर कोई प्रिंट है, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर कैसे पता कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप अपना आधार कार्ड नंबर नहीं पता कर पाएंगे, तब तक आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे। तो आप सिर्फ अपने नाम से ही अपना आधार कार्ड नंबर पता कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल खोलना है, सर्च बार में आपको टाइप कर देना है myaadhar.uidai.gov.in। ठीक, myaadhar.uidai.gov.in लिख के जैसे आप सर्च कराओगे तो माई आधार की जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, नीचे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रिट्रीव ई आई डी ओप्लिक आधार कार्ड वाले यानी कि आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आने के बाद में सिंपल सा यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। ध्यान दीजिएगा कि नाम को आपको वही डालना है, स्पेलिंग वगैरह जो आपके आधार कार्ड में था। अगर एक भी स्पेलिंग मिसमैच होगा तब आप अपना आधार कार्ड नंबर नहीं पता कर पाओगे। तो यहां पे नाम डालोगे और यहां पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर वही आपको डालना है जो आपके आधार कार्ड में लगा था। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में ईमेल आईडी लगा था तो आप आधार नंबर में जो है यहां पे मोबाइल नंबर ना डाल के ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज डालना है और इस कैप्चा कोड को यहां पे डालेंगे, सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पे देख सकते हैं मैंने नाम डाल दिया और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल दिया। मैं सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक, जैसे आप सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक छांक की ओटीपी भेजी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करें। ओटीपी डालने के बाद जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गया कि योर आधार नंबर, जो कि आपके आधार नंबर का लास्ट का चार अंक भी शो करेगा। यहाँ पे लिखा है इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी आपके आधार कार्ड से लगा मोबाइल नंबर है उस पर आपका पूरा आधार कार्ड नंबर भेज दिया जाएगा। अब वहां से जाके मैसेज से जाके आपको अपना पूरा आधार कार्ड नंबर वहां से नोट कर लेना है। नोट करने के बाद में आप अपना आधार कार्ड जो है यही वेबसाइट से आके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते तो इसके ऊपर वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो।